Om Shanti. Good morning. हम में से कुछ कल आए, कुछ आज सुबह आए, और जिसको भी मिले, हर एक ने आपको कहा ओम शांति, है ना? और आपने भी बहुत जल्दी वैसा ही रेसिप्रोकेट करना शुरू कर दिया. तो जैसे ही कोई कहता ओम शांति, हम भी प्यार से कहते ओम शांति. But what we will see in the next 3 days, कि ओम शांति सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है. ये ग्रीटिंग इसलिए है यहाँ पर, बिकॉज ये हमारी पर्सनालिटी है. एंड जब हम किसी वर्ड को सिर्फ रिपीट नहीं, लेकिन मीनिंग के साथ रिपीट करते हैं, फील करके रिपीट करते हैं, समझ के रिपीट करते हैं, तो हर बार जब हम उस वर्ड को बोलते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग हो रही है अंदर. यहाँ से आने से पहले हम कुछ और वर्ड्स को बहुत रिपीट किया करते थे. डॉक्टर्स मतलब क्या बोलते थे? डॉक्टर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक. डॉक्टर्स मतलब क्या क्या होना ही चाहिए, कौन सी इमोशन को प्रोफेशन के साथ जोड़ के रखा था. डॉक्टर्स मतलब ब्लेसिंग्स तो दूसरे देंगे, वो तो देते हैं और देते ही रहेंगे. अपनी कौन सी इमोशन को अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ दिया था? डॉक्टर्स मतलब बिजी. अच्छा हाँ, वन वर्ड, वेरी गुड. डॉक्टर्स मतलब बिजी, वेरी गुड. और डॉक्टर्स मतलब इमोशन. इमोशन कौन सी इमोशन हमने जोड़ दिए? हर प्रोफेशन के साथ कुछ इमोशंस को हम लेबल कर देते हैं. कंपैशनेट, वेरी गुड. तो डॉक्टर्स मतलब कंपैशनेट. और डॉक्टर्स मतलब एम्पथी, वेरी गुड. डॉक्टर्स मतलब एम्पथी. एंड एनीथिंग एल्स? डॉक्टर्स इक्वल्स टू केयरिंग. सो केयरिंग, कंपैशनेट, एम्पथी, हीलर. डॉक्टर्स मतलब स्ट्रेस. डॉक्टर्स मतलब स्ट्रेस. ये जो भी वर्ड्स यूज करने हैं, वो सिर्फ माउंट आबू भी नहीं यूज करने हैं. जगह के अनुसार अपनी वोकैबुलरी को चेंज नहीं करना है कि जब हम यहाँ पर हैं तो हम कह रहे हैं डॉक्टर्स मतलब कंपैशन, डॉक्टर्स मतलब केयरिंग, और जब हम अपने हॉस्पिटल में होते हैं मतलब हम कहते हैं डॉक्टर्स मतलब स्ट्रेस, डॉक्टर्स मतलब बिजी. एक एक वर्ड जो हम देखेंगे ये 3 दिन में, एक एक वर्ड डेस्टिनी तक लेके जाता है. तो जो हम एक सिंपल प्रैक्टिस करेंगे 3 days, सो दैट बाय 3 days एट द एंड ऑफ इट, व्हेन वी रिटर्न ऑन मंडे, आर वोकैबुलरी शुड चेंज. आर वोकैबुलरी शुड चेंज, विच मीन्स वोकैबुलरी इन द माइंड एंड वोकैबुलरी इन द वर्ड्स. जिस वाइब्रेशन का वर्ड होगा, जिस वाइब्रेशन का वर्ड होगा, वो वाइब्रेशन की एनर्जी क्रिएट होगी. जो वाइब्रेशन की एनर्जी क्रिएट होगी, वैसी फीलिंग बनेगी. जैसी फीलिंग बनेगी, वैसी एनर्जी बॉडी तक पहुंचेगी. जैसी एनर्जी क्रिएट होगी, वैसे हमारे आसपास रेडिएट होगी. और अगर हमने लो वाइब्रेशन वर्ड यूज़ कर लिया, तो हम खुद ही अपनी एंग्जाइटी, अपने शरीर को रॉन्ग वाइब्रेशंस, और अपने आसपास एक बड़ी टर्बुलेंट सी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं. डॉक्टर्स की एनर्जी फील्ड की वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, क्या लगता है? डॉक्टर्स की एनर्जी फील्ड कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव तो सभी है, पॉजिटिव नहीं, हायर पॉजिटिव ही है. नेगेटिव कोई नहीं हो सकता. इतना सुंदर प्रोफेशन चूज किया है, नेगेटिव आत्मा तो चूज ही नहीं कर सकती है. पॉजिटिव है, लेकिन हायर देन दैट, डिवाइन. ओके, नाउ इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड डिवाइन?
Is there a difference between positive and divine? So what we'll do, we'll take some of our words and put it on an energy field. So let's create a spectrum, 10 se leke, 10, 20, 30, 40, 50, 100. Divine ko kahan rakhenge? Divine ko kahan rakhenge spectrum pe? 100. Stress ko kahan rakhenge? Achha, 10 bhi nahi dekha? 0. Very good. Aur busy ko kahan rakhenge? Busy ko kahan rakhenge? Easy ko kahan rakhenge? Anxiety ko kahan rakhenge? Confident ko kahan rakhenge? Jealous ko kahan rakhenge? Fear ko kahan rakhenge? Faith ko kahan rakhenge? Abhi dikh raha hai, hai na? Ek-ek word ki ek energy hai. Words din mein kitni baar repeat hote hain. And hamari jo words honge, hamari jo soch hogi, wo hamari energy field banegi. And hamari energy field hamari first level of communication hai with everybody else. To jab hamari room mein koi aata hai, wo already kaun si energy field pe aa raha hai? Uski energy field hai pain. Pain hai na? Physical pain bhi hai, emotional disturbance bhi hai. Phir uski energy field hai insecurity, usko ye nahi pata aage kya hone wala hai. Phir uski energy field hai fear. Unke saath jo do teen log aa rahe hain parivar ke, unki energy field is time kahan par hai? So now we have to just visualize. One, this side of the table. Two, three, that side of the table. That side of the table is already little low because of the present situation in their life. And they have come to the person this side of the table for healing. For healing. Ab aap check karenge, phir aap dawa denge, phir aap kuch procedure bolenge, phir wo work karega, phir uska ilaj hoga. Us cheez mein 3 din lag sakte hain, 5 din lag sakte hain, kuch cases mein kuch mahine lag sakte hain. Wo to bahut time ki baat hai abhi. Immediate healing. Immediate healing. Ke wo jo aaye hain, unki vibration low hai, kya hum is taraf se baith kar kuch kar sakte hain jisse unki vibration high ho jaye? Kar sakte hain? Kar sakte hain. Kya karna hai uske liye sirf? Uske liye sirf kya karna hai? Hamare ko hamesha kaun si vibration pe rehna hai? Samne wala aaya hai 10 pe hai, 20 pe hai, 30 pe hoga, zyada se zyada 50 pe hoga is time. Agar hum 10, 20, 30 pe honge, तो वो हमें क्या कर लेगा? Discharged बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाओ तो क्या हो जाते हैं? Discharged हो जाते हैं. सारा दिन में दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या तो लोग हमें नीचे खींच सकते हैं या हम लोगों को ऊपर खींच सकते हैं. थर्ड ऑप्शन कोई नहीं है, कोई नहीं है. Because हम हर 10 मिनट के बाद एक नई फैमिली को मिल रहे हैं. Every 10 minutes, every 10 minutes, every 10 minutes. एक दिन में कितने लोगों को मिलते होंगे on an average? एक दिन में कितने लोगों को मिलते होंगे on an average? 100, चलो. One energy field meeting 100 energy fields in the day. And one energy field meeting 100 energy fields of pain in the day and disease in the day. So ye jo one energy field hai, isko kaise hona padega fir? Kaise hona padega? Isko 100 energy fields ko milna hai roz. And ek din, do din nahi, 360 days of the year and year after year after year for 50 years, 60 years. ये एनर्जी फील्ड को कैसे होना पड़ेगा? अगर ये एनर्जी फील्ड एवरेज पे रही 50-60 भी, तो जैसे जैसे सामने वाली एनर्जी फील्ड डाउन होती जाएगी, तो ये एनर्जी फील्ड के ऊपर धीरे धीरे क्या होने लगेगा? असर पड़ना शुरू हो जाएगा.
और फिर हमें पता ही नहीं चलता क्यों हमें गुस्सा आ जाता है, क्यों हमें किसी बात का डर लग रहा है, क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है, क्यों जेलेसी हो रही है. हम कब से नीचे की वाइब्रेशन पे आ गए? हम तो हीलर हैं, क्योंकि हम हर रोज़ बिना अपने आप को ऊपर लेके गए, हम हर रोज़ लोअर वाइब्रेशन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. दैट्स द नीड ऑफ आवर प्रोफेशन. लेकिन हमको मेडिकल स्कूल में 8 साल 10 साल ये सिखा दिया गया कि उनको कैसे ठीक करना है. आज हम आधी नींद में भी उनको ठीक कर सकते हैं. आपको रात को 2 बजे फ़ोन आता है, नींद में आप उठते हैं, फटाफट भागते हैं, पहुँचते हैं, उनको ठीक करके आ जाते हैं. इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है कि सामने वाले को कैसे ठीक करना है वो अच्छे से सिखा दिया. लेकिन मेडिकल स्कूल ने ये नहीं सिखाया सामने वाले का ध्यान रखने के टाइम अपना भी ध्यान रखना है. और अगर सिखाया तो इतना ही सिखाया कि हाथ मत लगाना, सैनिटाइज करना, ग्लव पहनना. वो हम आधी रात को भी नहीं भूलते हैं, बिकॉज इट्स इनग्रेन्ड इन टू द सिस्टम. इट्स इनग्रेन्ड, इट्स फिटेड देयर. लेकिन ये नहीं सिखाया कि पेन के साथ सारा दिन डील करते करते अपने आप को उस पेन से कैसे बचाना है. ये नहीं सिखाया. ये सिखाया अपने आप को उस इन्फेक्शन से कैसे बचाना है. ये नहीं सिखाया अपने आप को उस इमोशनल इन्फेक्शन से कैसे बचाना है. और फिर क्या हुआ, हमने कुछ वर्ड्स कहने शुरू किए. डॉक्टर मतलब स्ट्रेस तो होता ही है, काम ही क्राइसिस का है. डॉक्टर मतलब जब चैलेंजेस आएंगे तो मन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा ही होगा. फिर वो एक दिन नहीं, हर रोज़, हर साल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी के भी ऊपर इस बात का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, पड़ेगा ही. अच्छा, अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं 10 साल पहले या 20 साल पहले, जो हमारी टेबल के अक्रॉस लोग आ रहे हैं, क्या आपको लगता है उनकी वाइब्रेशन पेन की थोड़ी सी और डाउन हो गई है? पेशेंस कम हो गई है? जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ी देर लेट कर दिया तो गुस्सा भी करना शुरू कर देते हैं. वो समय गया कि प्यार से बैठेंगे, जब डॉक्टर साहब साक्षात्कार दे हम तब तक इंतज़ार करेंगे. उतना इंतज़ार करने की धैर्यता खत्म. विच मीन्स वाइब्रेशन इज गोइंग लोअर एंड लोअर. व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. दे आर डूइंग नथिंग इन देयर लाइफ जिससे वो अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा के जाएं. वो भी उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जहाँ नीचे खींचते जा रहे हैं. अभी कम हुए हैं, आने वाले 10 साल में क्या अपने आप ऊपर हो जाएंगे? नहीं होंगे. फिर हम उस लेवल तक आकर पहुँच गए कि जो हमारे पैर छूते थे कभी कभी वो अपने ऊपर संयम खो देते हैं. कोई जान पूछ के नहीं करता है, वो कोई प्लान करके नहीं आया होता घर से कि मैंने चिल्ला देना है डॉक्टर साहब पे या मेरा हाथ उठ जाएगा. कोई सोच के नहीं आता ऐसा. ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट अ लो वाइब्रेशन विल लूज कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स. फिर हम और हर्ट हो गए कि हम इनके लिए अपनी जीवन देते हैं. हम अपनी दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, बच्चे नहीं देखते, हेल्थ नहीं देखते, और उसके बाद आके ये हमारे साथ ऐसा करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन और डाउन होती है. उनकी भी डाउन हो रही है, हमारी भी हो रही है. हाउ विल हीलिंग हैपन विद दिस एनर्जी? ट्रीटमेंट कैन हैपन बिकॉज वी हैव द बेस्ट ऑफ द डायग्नोस्टिक टूल एंड द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट इज हैपनिंग, नाउ वी वॉन्ट हीलिंग टू हैपन. क्या हमारे मन की स्थिति का असर पेशेंट की मन की स्थिति पर पड़ता है? पड़ता है, पड़ता है. लेट्स लुक एट ऑल द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हीलिंग ऑफ अ पेशेंट हु वॉक्स इनटू योर क्लिनिक और हॉस्पिटल. क्या पेशेंट की माइंड का असर पेशेंट की बॉडी पे पड़ता है? क्या पेशेंट के माइंड का असर पेशेंट की बॉडी पर पड़ता है? थोड़ा सा पड़ता है या काफ़ी पड़ता है? आप बताते हैं उनको ये बात? टाइम नहीं इतनी बड़ी बात बताने के लिए. क्यों बताना बहुत ज़रूरी है?
क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बताना कि उनकी हीलिंग में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं. अगर आपने नहीं बताया तो उनको ये लगेगा कि उनकी हीलिंग का कंट्रोल सिर्फ किसके हाथ में है, आपके हाथ में है. फिर अगर उनको 3 की बजाय 5 दिन लग गए तो गलती किसकी मानी जाएगी? फिर कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे पड़ोसी तो 3 दिन में ठीक हो गए. फिर हम चेक करते हैं वो कौन से डॉक्टर के पास गए थे. जैसे देवी देवताओं से लोग मन्नत मांगते हैं, किसी की पूरी हो जाती है किसी की नहीं पूरी होती, तो उनको लगता है देवी देवता में कोई प्रॉब्लम है, तो पूछते तुमने किसकी पूजा की. हम भी उधर जाएंगे क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है, मेरा काम हो जाना चाहिए. तो हम पूछते हैं आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ गए थे, बिकॉज किसी ने हमें ये नहीं बताया कि वो मन्नत पूरा होने में हमारे माइंड का भी एक रोल है. तो पेशेंट की हीलिंग में पेशेंट के माइंड का रोल है, रोल है, रोल है. सेकंड, किसका रोल है? ये बॉडी है मेरी, आई एम द पेशेंट, मेरे माइंड का इसमें रोल है. सेकंड, सेकंड किसका रोल है? सेकंड सबसे बड़ा रोल है मेरी फैमिली, जो अंग संग मेरे रहने वाली है 24 घंटे. कुछ लोगों के साथ पेशेंट खुद अच्छा होता है, पॉजिटिव है, लेकिन आसपास के लोग उसकी एनर्जी को क्या कर देते हैं, खींच देते हैं नीचे. चिंता कर करके बार बार वो बात बोल बोल के ये सोच के इसका क्या होगा. बाकी जो घर में इश्यूज हैं वो तो हैं ही, टेंशन के, झगड़े के, ईगो के, हर्ट के. मेरे आसपास की एनर्जी कैसी होनी चाहिए अगर मुझे हीलिंग होनी है तो. सो व्हेन वी से केयर गिवर, ये केयर गिवर है, तो केयर गिवर के नॉट ओनली बी हॉस्पिटल लेके आया, खाना खिला दिया, दवाई दे दी. केयर गिवर को सबसे बड़ी केयर कहाँ से देनी है? केयर गिवर उनका टाइटल है, आप केयर गिवर हैं इस पेशेंट के. तो केयर गिवर को सबसे इंपॉर्टेंट केयर कहाँ से देनी है? कि वो वाइब्रेशंस मुझे अच्छी दें. क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन मेरे मन की स्थिति पे असर करती है और मेरे मन की स्थिति मेरी बॉडी पे असर करती है. सो पेशेंट्स माइंड, फैमिलीज माइंड, थर्ड लेट्स नो ऑल द फैक्टर्स विच आर पार्ट ऑफ अ हीलिंग ऑफ अ पेशेंट. पेशेंट्स माइंड, फैमिलीज माइंड, थर्ड. अब तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, थर्ड कौन है? थर्ड एनवायरमेंट तो दूर हो गया, अभी नजदीक. आई एम द पेशेंट, पेशेंट्स माइंड, फैमिलीज माइंड, थर्ड डॉक्टर्स माइंड. सो यू थिंक डॉक्टर्स माइंड प्लेज अ रोल ऑन माय बॉडी हीलिंग? यस. पेशेंट्स माइंड, फैमिलीज माइंड, डॉक्टर्स माइंड, फोर्थ. Very good. Staff's mind, मतलब the nurse who is taking care of me, the people who are around me, उनका भी mind. Environment of the hospital. Environment of the hospital will have an effect on my healing. Yes. Patient's mind, family's mind, doctor's mind, staff's mind, vibration of the hospital. टेक्स केयर ऑफ हीलिंग. क्या हम इन 5 बातों के बारे में रोज बात करते हैं और इनका ध्यान रखते हैं? नहीं. एंड दैट इज वाई हमारी हीलिंग कंप्लीट नहीं हो रही है. हम कह रहे हैं डॉक्टर, डॉक्टर्स एजुकेशन, डॉक्टर्स स्किल, हॉस्पिटल्स इक्विपमेंट, हॉस्पिटल्स मेडिसिन. वी आर ओनली टॉकिंग ऑफ आउटर विजिबल फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन क्योंकि हम सिर्फ विजिबल फैक्टर्स पे बात करते हैं, हमारे को रिजल्ट हमेशा वो नहीं मिलती जो हम, हमें हमेशा रिजल्ट वो नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जो दिखता नहीं है उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं. किस किस ने एक्सपीरियंस किया, सेम हॉस्पिटल, सेम स्टाफ, सेम डॉक्टर, सेम ट्रीटमेंट, सेम डिजीज, 2 पेशेंट्स रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली.
We've all experienced. कोई हो ही नहीं सकता जिसने experience नहीं किया होगा. कितनी बार आपकी भविष्यवाणी गलत निकली है? गलत निकलती है ना. किसी के लिए आप सोचते हो ये इजी है, ये तो ठीक हो जाएगा, 5 दिन में घर जाएगा. वो अपने आप से एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है अपने अंदर. किसी के लिए आप सोचते हो ये तो 10 दिन लगाएगा हॉस्पिटल के अंदर, वो 6ठे 7वें दिन चला जाता है. सब कुछ सेम है लेकिन मेडिकल साइंस उस इनविजिबल एनर्जी का रोल ही नहीं देख रही है. और इसीलिए हम कह देते हैं 10 दिन आपको लगेंगे. किस बेसिस पे आपको 10 दिन लगेंगे? क्योंकि अब तक के सारे जितने आपकी बीमारी के साथ लोग आए थे उनको 10 दिन लगे थे. क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि जो आया है उसकी एनर्जी लेवल क्या है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसकी हर थॉट की क्वालिटी क्या है. क्योंकि हमने उसको हीलिंग का हिस्सा नहीं बनाया. इवन दो वी नो इट्स ट्रू, वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग इट. एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, सो दैट व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दिस इनविजिबल एनर्जी जो दिखती नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस हो रही है सारा दिन, जब हम उसको हीलिंग में यूज करना शुरू करेंगे तो मिरेकल्स कभी कभी नहीं होंगे. मिरेकल्स वो नहीं होंगे जो गूगल पे जाके सिर्फ मेडिकल जर्नल में पढ़े जाएंगे. मिरेकल्स आप हर रोज अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल में क्रिएट करना शुरू करेंगे. बिकॉज यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट एनर्जी विच क्रिएट्स द मिरेकल. मिरेकल यहाँ से होने वाला है. क्यों कोई इतनी क्रॉनिक बीमारी में भी ठीक हो जाता है? क्योंकि वो अपनी पावर को यूज़ कर रहा है. और अगर हम सबके साथ इस पावर के बारे में बात करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम अपनी पावर को साथ में यूज़ करें तो मिरेकल्स विल बिकम अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अब अपनी एनर्जी फील्ड को हाई लेके जाने के लिए कौन सी छोटी छोटी बातों को निकाल देना पड़ेगा लाइफ से और कौन सी बातों को लाना पड़ेगा? क्या करें? 1 मिनट आंख बंद करें और अपने आप को देखें. एट योर हाईएस्ट एनर्जी फील्ड ओनली यू नो योर सेल्फ, कोई और नहीं देख सकता आपको. किसी को नहीं पता आपके मन की स्थिति कैसी है, किसी को नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है. जब आप अपने पेशेंट से मिलते हैं उसको भी नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या चल रहा है. अपने आप को देखे उनसे बात करते हुए, आप उनकी पल्स देख रहे हैं, आपका हाथ उनके हाथ को टच कर रहा है, आपकी वाइब्रेशन डायरेक्ट जा रही है. अपने आप को अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में देखें कैसे होगी. डिवाइन एनर्जी प्योर अनअडल्ट्रेटेड, एक भी कोई और चीज नहीं है मेरे मन पर. और अपनी वाइब्रेशन का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ योर एनर्जी ऑन देम, उसको होते हुए देखिए. सी द फ्लो ऑफ एनर्जी from you to them and flowing through their body. Healing their mind, energizing their body just by being who I am. Just by being who I am. Divine being. Swachh man ekdam. Koi purani baat nahi man pe. Kuch aur nahi, itna saaf hai.
एक के बाद एक जितने लोग मिल रहे हैं दिन में, सिर्फ पेशेंट नहीं, स्टाफ जो मेरे साथ सेवा करता है, घर से आए, परेशान आए, हॉस्पिटल पहुंचे, मुझसे मिले, एनर्जी मिली, आई एम अ वॉकिंग रेडिएटर ऑफ पावर, चलते फिरते औरों को शक्ति दे रहे हैं, हमसे मिलते ही लोगों को सुकून मिल रहा है, दिस इज माई पर्सनैलिटी, टेल योर सेल्फ, पक्का करवा लो मन पे इस टाइम, दिस इज माई पर्सनैलिटी, दिस इज हु आई एम, I am an angel for all of them. Doctor is my profession. I am an angel for them. Light. Light. और मुझसे मिलते ही हर एक हो जाता है light. इतने लाइट होते हैं कि उनके मन के क्वेश्चंस शांत होने लगते हैं, डाउट फेथ से रिप्लेस हो जाता है, आई एम एन एंजल ऑफ पीस एंड पावर, ओके वापस आइए, किस किस को दिखा थोड़ा सा, कुछ 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 दिखा, आप जा पाए हॉस्पिटल तक वापस, कौन कौन जा पाया हॉस्पिटल तक वापस, वेरी नाइस, दिस इज मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स हम थॉट लेते हैं, थॉट को साथ साथ क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, जब थॉट मतलब अफर्मेशन, हाई एनर्जी थॉट, साथ में उसको करेंगे विजुअलाइज, और थर्ड स्टेज अगर जब दोनों साथ साथ कट्ठे चल रहे हैं, वो हमें एक्सपीरियंस होना शुरू होता है, तो किस किस को एक्सपीरियंस हुआ कि वो सच्ची में किसी का हाथ पकड़ रहे थे और एनर्जी मेरे से फ्लो हो रही थी, उनको फील हुआ, दिखा कुछ ऐसा, जब ये हुआ तो आपके यहाँ एक प्रोग्रामिंग होने शुरू हो गई है, अब अगर आप इसको रोज करेंगे और मंडे तक ही सिर्फ रोज कर लें अगर, तो जब आप ट्यूसडे को जाएंगे, यहां की हुई प्रोग्रामिंग ट्यूसडे को ये रियलिटी में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने यहां की थिंकिंग, फीलिंग, बीइंग को डूइंग में लेकर आना है, ये जो हो रहा था आपको लगता है इसका कोई असर पड़ेगा सामने वाले पे? यस, एक ये एनर्जी है कि ऐसे हाईएस्ट वाइब्रेशन किसी से मिले, हाईएस्ट एनर्जी सामने वाले को मिली, पकड़ा हाथ भी तो हाईएस्ट करंट उसको मिल गई सामने वाले को, और एक दूसरी एनर्जी फील्ड, घर की कोई चिंता, अभी अभी किसी के साथ हुई कोई बात, अभी अभी अंदर घुसते हुए डांटा नर्स को क्योंकि उसकी गलती इतनी बड़ी थी, फिर बिजी बिजी एनर्जी के साथ भागते 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 अंदर आए और हाथ पकड़ा, दोनों में कोई फर्क, दोनों में कोई फर्क, दोनों में फर्क, कितना फर्क, बहुत फर्क, बस उस बहुत फर्क को पूरा करने के लिए 3 दिन हम यहां आए हैं, वी आर हियर
just to bridge that gap. Treatment जो हम कर रहे हैं वो perfect है, लेकिन इस dimension को integrate कर देंगे, वो बहुत फर्क जो हमें लेकर आना है, वो हम लेकर आएंगे। और ये जो बहुत फर्क हमें दिख रहा है अभी, ये बहुत फर्क सिर्फ उनको नहीं मिलने वाला। सबसे पहले ये बहुत फर्क किसके जीवन में आ जाएगा? सबसे पहले ये बहुत फर्क हमारे जीवन में आ जाएगा। एंड ये बहुत फर्क जब हमारे जीवन में आ जाएगा, तो सारा दिन में 100 लोगों के मिलते 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 शाम को जब हम घर पहुंचेंगे, तो वो बहुत फर्क हमारे घर में आ जाएगा। फिर वो बहुत फर्क हमारी फैमिली को मिलेगा। फिर जब वो बहुत फर्क शाम को घर आ जाएगा, तो अगले दिन हम सुबह और बहुत फर्क लेकर हॉस्पिटल में आएंगे। और जब बहुत बहुत फर्क लेके आएंगे, तो उस दिन जब हाथ पकड़ेंगे, तो और बहुत फर्क आएगा। It just becomes a different way of living. इसको कहेंगे कलयुग जीवन जीने का तरीका, और इसको कहेंगे सत्युगी जीवन जीने का तरीका। तो आप शिफ्ट होने के लिए रेडी? रेडी? इतना ठंडा ठंडा यस। पता है कौन सुन रहा है? मैं नहीं सुन रही हूँ, आपका माइंड सुन रहा है। So when you're going to say something, the first person who's going to listen is, अगर आपने कहा yes, और अंदर सोचा यहाँ तो ठीक ही लग रहा है सब वैसे, पर यहाँ वैसे ही इतना peaceful है थोड़ा, तो ये करना थोड़ा easy लग रहा था। Take care, whatever you think, somebody is listening over here, and हमने पहले ही उसको एक doubt का message भेज दिया। और अगर आज डाउट का मैसेज भेज दिया तो ट्यूसडे तक तो, इसीलिए जब हम यस कहते हैं, इट इज अ यस विद अ फेथ इन आर ओन सेल्फ, कि ये भी मेरी नेचर है, ये भी मेरी नेचर है, मुझे चूज करना है कि दोनों में से कौन सा जीवन जीने का तरीका। डॉक्टर बने औरों का ध्यान रखने के लिए, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं रखना जो अपना ध्यान रखना भूल जाए। जो हमने ये सुना था, माना था, इवन हियर एट द ब्रह्मा कुमारीज ऑल्सो, मेनी ऑफ अस हैव मेड दिस मिस्टेक, आई हैव मेड दिस मिस्टेक। खाना खाया? नहीं 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 खाया। रात को ठीक से सोए? नहीं 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 सोए। क्यों नहीं सोए? टाइम नहीं मिला। क्यों टाइम क्यों नहीं मिला? सेवा कर रहे थे, और हमने सोचा इससे अच्छे संस्कार तो कोई हो ही नहीं सकता है, कि अपने बारे में ना सोचा, अपना ना ध्यान रखा, खुद ना टाइम पे खाया, खुद ना टाइम पे सोया, क्योंकि हमारी जीवन औरों के लिए है, एंड वी थॉट दिस इज अ वेरी गुड संस्कार। तो इज दैट अ राइट संस्कार? इज दैट अ राइट संस्कार? नो। वाई इज इट नॉट अ राइट संस्कार? इतना अच्छा संस्कार है, निस्वार्थ, अपने बारे में सोचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरों के बारे में सोचा। वाई इज दैट नॉट अ नाइस संस्कार? वाई इज दैट नॉट अ नाइस संस्कार? कितना अच्छा है, सेल्फलेस, सिर्फ औरों का, औरों का, औरों का। क्यों नहीं अच्छा संस्कार वो? जब दो लोग मिलते हैं ना, और दो लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सबसे पहला जो एक्सचेंज होता है वो है एनर्जी फील्ड का दोनों का। एंड हमारी जिम्मेवारी है टू आर सेल्फ एंड टू पीपल, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारा स्टाफ है, चाहे वो हमारे पेशेंट्स हैं, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों को पहले हाई वाइब्रेशन देना, बाद में बाकी बात करेंगे। लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं रखा एंड हम डिप्लीटेड स्टेट में गए, वी आर बीइंग अनफेयर, अनफेयर टू आवरसेल्व्स, बट आल्सो अनफेयर टू देम, बिकॉज वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू देम, होल्डिंग देयर हैंड एंड डिप्लीटिंग देम। वी आर वरिंग एंड एंग्शियस फॉर आवर चिल्ड्रन, वी आर डिप्लीटिंग देम। We are getting angry with our staff, we are depleting them. That's not being fair. That's not being fair. ये cheating हो रही है अपने आप के साथ भी,
अपने आप के साथ भी और जिनके भी हम संपर्क में आएंगे उनके साथ भी, और जब हम उनको डिप्लीट करते हैं वो किसी और को डिप्लीट करते हैं, वो किसी और को डिप्लीट करते हैं, एंड बहुत जल्दी हमारी हॉस्पिटल की एनर्जी फील्ड क्या हो जाती है, और फिर हम उसको कह देते हैं हॉस्पिटल है ना इतना सारा चलता है तो स्ट्रेस तो हो गई, नॉर्मल बोल दिया और उसको लो ही रहने दिया। हॉस्पिटल की वाइब्रेशन ऐसी हो जैसे मंदिर की होती है, मंदिर में अशांत मन जाते हैं, मंदिर में अशांत मन जाते हैं ना, और अंदर दो मिनट बैठ के क्या बोलते हैं, क्या हो गया, शांत हो गया। कैसे शांत हो गया? तो अब हमारा हॉस्पिटल क्या है? हाई एनर्जी थॉट। हमारा हॉस्पिटल क्या है? मंदिर है, और मैं उस मंदिर का पुजारी? नो मैं उस मंदिर का पुजारी नहीं हूँ। वो जो अंदर आ रहे हैं वो पुजारी से मिलने नहीं आते हैं, वो किससे मिलने आ रहे हैं? हाँ, किससे मिलने आ रहे हैं? वो किसके दर्शन करने आ रहे हैं? हाँ, तो मैं उस मंदिर का, अच्छे से बोलो, अच्छे से, कोई सुन रहा है यहाँ पे, मैं उस मंदिर का भगवान नहीं बोलते हम, मैं उस मंदिर का देवी देवता हूँ। देवी देवता कौन होते हैं? जो सारा दिन देते हैं, देते वाले को देवी देवता कहते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं कितनी दूर दूर ट्रैवल करते हैं, लाइन में भी कितनी देर खड़े होते हैं, शिरडी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, तिरुपति जाओ, कितनी देर लाइन में खड़े होते हैं, साक्षात्कार कितनी देर का होता है, वो भी धक्का धक्का में पूरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब देखा और कब आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन बाहर आते ही हरेक क्या कहता है, हरेक क्या कहता है बाहर आते ही, आप क्या कहते हैं आकर भर, कितना अच्छा दर्शन हुआ। उतना ही चाहिए वो पेशेंट आए, भले उसको थोड़ी ज्यादा देर वेट भी करना पड़ जाए, होगा ना, इतने लोग होंगे वेट करना पड़ेगा उसको, लेकिन वेट करने के बाद भले ज्यादा टाइम भी नहीं मिले कोई बात नहीं, वेट भी लंबी चलेगी, टाइम भी कम मिलेगा। आपको आज जितना टाइम मिल रहा है ना हर पेशेंट के साथ, आने वाले दो साल के बाद कितना टाइम मिलेगा? और कम मिलेगा। उसके दो साल के बाद और कितना टाइम मिलेगा? सो टाइम कैन नॉट नाउ बी द क्राइटेरिया ऑफ हीलिंग, बिकॉज लोग बढ़ते जाएंगे, टाइम कम होता जाएगा, एनर्जी फील्ड इतनी हाई होनी चाहिए कि टाइम कम में भी वो बाहर आके क्या बोले, बाहर आके क्या कहे, कम ऑन, व्हाट डू यू वांट योर पेशेंट टू से व्हेन दे कम आउट, बाहर आके क्या बोले, हो गया। इट इज नॉट बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम वी स्पेंड। आप किसी अशांत मन के साथ आधा घंटा स्पेंड कर लो टाइम, बाहर आके कहेंगे जितना मैं पहले ठीक था उतना भी मेरा मूड खराब कर दिया सारा। लेकिन आप एक स्टिल माइंड के साथ, एक पावरफुल माइंड के साथ, एक प्योर माइंड के साथ 2 मिनट स्पेंड कर लो, तो डोंट थिंक, ये नेगेटिव नहीं अपने पास थॉट रखना कि मेरे पास आजकल ज्यादा टाइम नहीं है, आई एम नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम टू माय पेशेंट्स, वी विल नॉट बी एबल टू गिव, आने वाले समय में इससे भी घटेगा। जब तक कलयुग है तब तक आपके हॉस्पिटल की बाहर की भीड़ बढ़ती रहेगी। सत्युग में आपके बाहर की भीड़ कम नहीं होगी, आप होंगे ही नहीं एज डॉक्टर वहां पे। सांप का यही वाला समय चल रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है बाहर। क्यों भीड़ बढ़ती जाएगी? पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर माइंड्स, पीपल आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर लाइफस्टाइल, दे आर टू बिजी ओनली वर्किंग and earning and taking care of others. So everyone's gone into this system of taking care of others without taking care of self. So ye ek vicious cycle ban gaya hai. Agar har ek sirf ek cheez kar leta hai na, taking care of self, sara cycle change ho jayega. Lekin kyunki har ek sabka dhyan rakhne mein itna vyast hai, to na man sukoon mein na sharir theek, to aapke bahar ki bheed ghatne wali nahi. तो इसलिए कुछ एक संस्कार को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए, इनसिक्योरिटी, दूसरे के बाहर की लाइन देखकर
दूसरे के बाहर की भाई कभी कभी सामने वाले मंदिर के आगे ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन देवी देवता दूसरी लाइन को लंबा देखकर दूसरे मंदिर की लाइन को लंबा देखकर देवी देवता कोई ऐसे हो जाते हैं ऐसे नहीं। देवी देवता क्या उस लाइन को एक मैसेज भेजेंगे, इधर आ जाओ मेरे पास आने से आपका काम जल्दी हो जाएगा? ऐसी चीजें देवी देवता करते नहीं, क्योंकि देवी देवता सिर्फ एक डायरेक्शन में खड़े हैं, देना 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 और देना। और जितना हम निस्वार्थ देने की साइड पर खड़े होते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके बाहर की लाइन लाइन बढ़ती ही जाएगी ना? क्योंकि हर एक को क्या चाहिए, हर एक को वो प्योर प्योर ऑथेंटिक ऑथेंटिक वाइब्रेशन, हाईएस्ट एनर्जी। क्या हमें लोगों की वाइब्रेशंस पता चलती हैं? क्या आपको लोगों की वाइब्स पता चलती हैं? गुड। तो हमारे से जो मिलने आते होंगे, क्या उन्हें हमारी वाइब्स पता चलती होंगी? पता चलते होंगे, पता चलती है। वाइब्रेशन के अंदर डिग्री नहीं पता चलेगी, एक्सपीरियंस नहीं पता चलेगा, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी ऑथेंटिसिटी एंड कंपैशन, वो वाइब्रेशन से पता चलेगा। वो किसी और तरह से किसी को प्रूव किया जा नहीं सकता। तो आज से अपने टाइटल्स को थोड़ा चेंज करते हैं, हायर एनर्जी टाइटल रखते हैं। डॉक्टर तो बहुत अच्छा टाइटल है, लेकिन डॉक्टर तो मेरा रोल है, मैं कौन हूँ? ये तो मेरा प्रोफेशन है, मैं कौन हूँ? अपने लिए अब हाई एनर्जी एक टाइटल देते हैं, हु एम आई, हु एम आई। हीलर से भी और ऊपर जाते हैं, हीलर भी सारे हैं। आप हीलर हो इसीलिए यहाँ आए हो, जो हीलर नहीं थे उन्होंने तो हमें बोल दिया सॉरी जी 3 दिन तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो बहुत बड़ी लाइन है। पता है आपको भाई बहने कितने लोगों को निमंत्रण देने जाते हैं, लेकिन कितने थोड़े इकट्ठे होते हैं। ये जो इकट्ठे होते हैं ये अपने आप में पहले ही हाई वाइब्रेशन वाले हैं, बिकॉज दे हैव चोजन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड टेक आउट 4 days ऑफ देयर लाइफ फॉर देमसेल्व्स, विच विल ट्रांसलेट इनटू बेटर केयर फॉर देयर पेशेंट्स। सो दैट इटसेल्फ इज सक्सेस, दिस इज सक्सेस। टू रीच हियर एंड टू बी हियर इज एन अचीवमेंट। तो हीलर तो हम हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, आई एम पावरफुल है, और आई एम पीसफुल भी है, पावरफुल भी है, प्योर भी है, जो सब कुछ ये होता है वो कौन हो जाता है? जो सोचेंगे जो बोलेंगे वैसा बनते जाएंगे, जो सोचेंगे जो बोलेंगे वैसा बनते जाएंगे। अभी डॉक्टर साहू ने क्या बोला, आप कोई भी स्पेशलिटी को हो, अब आप बोलो आई एम अ डायबिटोलॉजिस्ट ऑल्सो, तो भी उसका भी इलाज करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि हर एक जो आ रहा है उसको कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ है। तो हम जो सोचेंगे वो हम अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे, तो वो हमारी जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगी। तो आई एम एन डिवाइन सोल क्या होती है? डिवाइन सोल वो होती है जो सिर्फ देती है। डिवाइन सोल वो होती है जिसको कुछ चाहिए नहीं होता। एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है, या तो ऐसे या तो ऐसे। आजकल कौन से दिन चल रहे हैं, कौन से वाले दिन चल रहे हैं? ऐसे वाले नहीं, नहीं मेरा मतलब था आजकल गणेश चतुर्थी वाले दिन चल रहे हैं। तो गणेश जी का हाथ कैसे दिखाते हैं? हर देवी देवता का हाथ कैसे दिखाते हैं? वो एक जीवन जीने का तरीका दिखाता है कि सामने वाला आपके पास कोई भी एनर्जी से आए, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, आपकी डिवाइन एनर्जी का इन्फ्लुएंस उस पर पड़ना चाहिए। इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी हमें ऐसा देते जाते हैं। क्या लोगों के बीच रहते हुए हम सिचुएशंस और लोगों के इन्फ्लुएंस से डिटैच्ड रह सकते हैं? हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या सिचुएशंस और पीपल के बिहेवियर से अनटच्ड रह सकती है? अच्छा, आप में से किस किस को हॉस्पिटल में दिन में एक आधी बार थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है? किस किस को बिल्कुल नहीं आता कभी भी?
फिर बाकियों ने दोनों में कुछ हाथ नहीं उठाया, तो कौन से वाला तो मुझे लगा बिल्कुल नहीं आता था इसलिए हाथ नहीं उठाया, तो हाथ नहीं उठाया क्यों? अच्छा थोड़ा ज़्यादा आता है एक बार से ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है? बिकॉज वी हैव टू फिनिश इट, क्योंकि गुस्सा हमारी एनर्जी फील्ड को क्या करेगा? नीचे खींचेगा, और जैसे ही हमारी एनर्जी फील्ड को नीचे खींचेगा हमारी एनर्जी स्पेस में जो आते जाएंगे उनकी एनर्जी फील्ड भी क्या होती जाएगी? नीचे खींचती जाएगी. आई गेट एंग्री बिकॉज फिल इन द ब्लैंक, बिकॉज आई गेट एंग्री बिकॉज. अच्छा लास्ट वीक में किस किस को गुस्सा आया एक बार? क्लोज योर आइज, ब्रिंग दैट सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड. एग्जैक्टली पूरे सीन को देख लेते हैं, क्या हुआ था, किसी ने क्या किया था, गलती उनकी क्या थी, मैंने कैसे रिएक्ट किया. देखना है, प्रोग्रामिंग हो रही है. सिचुएशन क्या थी, लोगों का बिहेवियर कैसा था, सामने वाले ने क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया. React first in the mind, मन ने क्या फील किया, फिर मेरा बोलने का तरीका कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी. Rewind the situation, everything remains the same, बात वही, सामने वाले की गलती वही. I am an angel. I am an angel. Respond to the situation. Respond to the situation. Nothing else is changing. Kaisa sochenge, kaisa baat karenge, body language kaisi hogi. जिस जिसको दिख गया नया वाला रिस्पॉन्स तो हाथ उठाइएगा. दिख गया कि एंजल कैसे रिस्पॉन्ड करता है. ओके, क्या ये पॉसिबल है? सेम सिचुएशन में एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल है? पॉसिबल है. उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था जो गुस्सा आया, क्या हुआ था? एनीबडी, एक लाइन में क्या हुआ था? हाँ जी, सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं थी और क्या हुआ था, गुस्सा आया जी? स्टाफ ने मिस्टेक की थी. हाँ जी, ओहो सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड आई रिएक्ट सेम वे अगेन एंड अगेन. दे कीप मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, आई कीप रिएक्टिंग अगेन एंड अगेन. दे कीप मेकिंग द मिस्टेक अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, आई कीप रिएक्टिंग अगेन एंड अगेन. इज माई रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन देयर मिस्टेक? Is my reaction dependent on their mistake? हम यहाँ कैसा feel करेंगे, हम कैसे बात करेंगे, क्या ये उनके ऊपर dependent है? Yes? अच्छा किस किस को दिखा कि same mistake में हमने थोड़ा different response किया? आपको लगता है वो possible है Tuesday को? They will make the same mistake on Tuesday. Can we respond differently on Tuesday? Yes, we can. It's very easy. Why should I respond differently? Unki to galti thi. Why should I respond differently? Unki to galti thi. Ek cheez hame ye dekhna hoga ki log wohi galti bar bar kyun karte hain? Unhone galti ki, humne daanta bhi, to fir wo galti kabhi bhi fir se
होनी नहीं चाहिए लेकिन वो बार बार करते हैं. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनको गलती ठीक करने की ताकत देने की बजाय हम उनको डांट के उनकी ताकत घटाते हैं जिससे उनके गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. संस्कार चेंज करना है. किसी के अंदर लेट आने का संस्कार है, किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, किसी के अंदर काम पूरा नहीं करने का संस्कार है, किसी के अंदर बातें भूलने का संस्कार है. उनको मालूम है उनके पास वो संस्कार है लेकिन वो संस्कार के परवश हैं. वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट. पता नहीं क्या हो जाता है उस टाइम. संस्कार चेंज करने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए होती सिर्फ. संस्कार चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? पावर. हमारा रोल है उनको पावर देना. हम कर क्या रहे हैं? गुस्सा करके उस पावर को डे बाय डे घटा रहे हैं. आप इसको घर में भी कर सकते हैं, आप इसको हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, आप इसको किसी के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको अपने आप के साथ भी कर सकते हैं. जितनी बार आप रिएक्ट करेंगे आपकी शक्ति. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा रिएक्शन क्रिएट किसने किया? श्योर. ऑलवेज गुस्सा किसने दिलाया था उस दिन? तीन ऑप्शन. गुस्सा किसने दिलवाया था? उन्होंने. दूसरा ऑप्शन हमने. तीसरा ऑप्शन दोनों ने मिलके. हु वॉज द कॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ दैट रिएक्शन? दे, मी और बोथ? ओहो, तीन ऑप्शन आ गए. कौन कौन कहता है दे? हाँ जी. अच्छा, स्टार्ट उधर से हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ? रिएक्शन. स्टिमुलस तो वहीं से आएगा ना. रिएक्शन किसने क्रिएट किया? दे, मी, वी. देन द क्वेश्चन इज व्हाई एम आई क्रिएटिंग लाइक दैट? बोथ. ये दे हैं, गलती कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, दिन में चार बार कर रहे हैं. ये यहाँ खड़े होके गलती कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, गलतियाँ ही सिर्फ कर सकते हैं, अच्छा कुछ करते ही नहीं है. ये वर्स्ट केस सिचुएशन. यहाँ जो क्रिएट होगा, यहाँ से जो निकलेगा, क्या ये वो क्रिएट कर सकते हैं? ये यहां खड़े होके गलतियां कर सकते हैं. यहां जो क्रिएट होगा, मेरे मुंह से क्या निकलेंगे शब्द, क्या ये वो क्रिएट कर सकते हैं? तो यहां जो क्रिएट होने वाला है, हु इज द क्रिएटर? दे, मी और वी? श्योर. ऑलवेज विद एवरीवन. सोच लो सारे लोगों को चेक करके. बाद में चेंज नहीं करना है इक्वेशन ट्यूसडे से. सबको देख लो, नर्स को देख लो, उस इरिटेटिंग पेशेंट को देख लो, घर पे कहना नहीं मानने वाले बच्चों को देख लो, जो ड्राइवर लेट आता है उसको देख लो, सबको देखो, यहां रखो और इक्वेशन बनाओ. दे, मी और वी. ऐसे नहीं कहना मेजोरिटी दे सिर्फ उसके केस में. नाउ चूज दे, मी और वी. पक्का? अच्छा, बोथ किसने शेयर किया? हाँ, वेरी नाइस. एक मिनट स्टैंड होना सिस्टर. एनीबडी, जो भी बोथ वाले हैं वो खड़े हो जाओ. बोथ, बोथ. एनीबडी एल्स एट द बैक? बोथ, बोथ. एनीवन एल्स? बोथ. हाँ, जो अच्छे से सब खड़े. इस हॉल में कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होता. दे बोलेंगे वो भी राइट है आंसर. हाँ, बोथ. वेरी गुड. एनीबडी एल्स? बोथ. सारे उठ ही जाओ एक ही बार. धीरे धीरे क्यों उठ रहे हो एक दूसरे को देख के? बोथ. नहीं नहीं हमने तो डिसाइड कर लिया अभी के लिए. फिलहाल वो गलत है. वो हम कल देखेंगे कि कैसे वो गलत नहीं है. आज के लिए तो ये गलत ही गलत है. सिचुएशन गलत है. ये गलत
No, 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 right now we are saying they are wrong. We are on the first equation right now. They are wrong. Who is creating my reaction? They, me or we? Hanji? एक एक मिनट साइलेंस साइलेंस हाँ जी बहन क्या आप कह रहे थे माय रिएक्शन हैज टू बी माय रिएक्शन नो इन्फ्लुएंस्ड कैन बी बाय एनीबडी हु इज गोइंग टू क्रिएट माय रिएक्शन देयर रिएक्शन विल बी देयर रिएक्शन अभी इन्होंने जोर जोर से झूठ बोला गलत बोला कहना नहीं माना फिर उसके बाद डिनाई भी करते गए और दूसरे स्टाफ मेंबर पे ब्लेम भी डालते गए दे It's my reaction. No, this is they. Who is the creator of my reaction? They, me or we? अच्छा बहन बताओ कैसे करते हैं ये कैसे हमारा reaction create करते हैं हाँ तो change थोड़ी हमने third वाला option मतलब they, me or we? Influence हुआ ठीक है ये ऐसा कर रहे हैं मैंने रिस्पॉन्ड करना है मेरा रिस्पॉन्स किसकी चॉइस है चॉइस इज माइन क्रिएट कौन कर रहा है नो रिएक्शन इज माइन दिस इज अ स्टिम्युलस सिंपल छोटी बातें भी छोड़ देते हैं आप सर्जरी में हैं आपके साथ की सिस्टर ने इतनी बड़ी गलती की है इस टाइम इट कुड हैव कॉस्ट एवरीथिंग सो स्टिम्युलस का तो कोई साइज ही नहीं होता ना स्टिम्युलस कैन वेरी फ्रॉम हियर टू हियर दैट्स द साइज ऑफ द गलती अब अगर हम विजुअलाइज करें कि पांच डॉक्टर्स के साथ सेम सिस्टर ने सेम गलती की क्या पांच डॉक्टर्स सेम तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिम्युलस सेम है स्टिम्युलस सेम है नहीं हाइपोथेटिकली सेम है क्या पांच डॉक्टर्स सेम तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स कौन चूज कर रहा है चलो पांच को भी हटाते हैं सेम डॉक्टर आप दो अलग अलग दिन पे आज सुबह सुबह पता चला मेरे बच्चे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गई पेड़े लेते लेते आए ओटी में बांटे अंदर घुसे नर्स ने गलती कर दी कैसे रिएक्ट करते हैं उस दिन अच्छा होता है ओहो होता है कोई बात नहीं सो दे मी और वी उनकी सारी पावर है यहाँ पर स्टिम्युलस बहुत पावरफुल होता है स्टिम्युलस बहुत पावरफुल है लेकिन उनकी पावर बाहर तक है वो यहाँ गलतियाँ कर सकते हैं जब तक हमने ये कहा उनकी वजह से उनकी वजह से उनकी वजह से तो हमारी सारी पावर किसको चली गई फिर हमें क्या चाहिए था कि वो कैसे होने चाहिए परफेक्ट क्योंकि अगर वो परफेक्ट होंगे तो हम परफेक्ट होंगे हम हो गए उन सब के गुलाम आई एम डिपेंडेंट ऑन यू इफ यू आर परफेक्ट देन आई एम परफेक्ट डिड यू फाइंड परफेक्ट पीपल अराउंड यू डिड यू फाइंड परफेक्ट चिल्ड्रन Everyone is perfect. Only they are not perfect the way I want them to be perfect. They are all perfect. क्योंकि हो सकता है वो आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठ के ही बोल रहे हो वो आपके साथ वाली कुर्सी पे तो बैठे हुए हैं कौन कौन अपनी साथ वाली कुर्सी पे लेके आए हैं साथ वालों को हाँ
तो ध्यान रखना, आप जो भी आंसर बोल रहे हो वो एनर्जी यहाँ से यहाँ भी ट्रांसमिट हो रही है. दे आर परफेक्ट, आई एम परफेक्ट. दे आर प्योर, आई एम प्योर. दे आर पावरफुल, आई एम पावरफुल. बट आर संस्कार्स आर समटाइम्स डिफरेंट. डिफरेंट, दे आर नॉट रॉन्ग. आप अपनी सिस्टर को बोलो, आप नर्स है जो आप सिंसियर नहीं हो, उसको लगता होगा मेरे जितनी नर्स सिंसियर तो पूरी दुनिया में नहीं है. वो कहेगी कैसे डॉक्टर है, इतनी सिंसियर नर्स मिली फिर भी कभी संतुष्टि नहीं होते हैं, हमेशा गलतियां ढूंढते रहते हैं. वो आपको गलत बोलेगी, आप उसको गलत बोलोगे, और हम ये नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, रेडिएट करेंगे. बट दैट इज सेकेंडरी. इम्पॉर्टेंट इज हु क्रिएट्स माई रिएक्शन. कैसे उसको चेंज करना है, क्या इक्वेशन चेंज करनी है, दैट्स द जर्नी ऑफ दीज थ्री डेज. बट फर्स्ट आई एटलीस्ट नीड टू नो हु क्रिएट्स माई रिएक्शन, मी. एंड अभी आज सारा दिन में फिर भी सोचना, रिफ्लेक्ट करना, लोगों के बिहेवियर्स को देखना और फिट करना और देखना, किसी भी केस में आपको लगता है कि सामने वाला आपके यहाँ घुस के आपकी थॉट क्रिएट कर सकता है आपके लिए? नो. लोग यहां सारा नुकसान कर सकते हैं, सब कुछ गलत कर सकते हैं, यहां तक कि आपको फिजिकली मार सकता है कोई, आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर सकता है, आपको प्रोफेशनली एक्सप्लॉइट कर सकता है. सिर्फ एक ही जगह है जहां कोई नहीं घुस सकता है, इनसाइड. लेकिन अनअवेयर, अनअवेयर हमने सारा दिन ये सोचा कि सब कुछ जो यहां हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ, हमने कहा उनकी वजह से मैं परेशान, उसकी वजह से मैं दुखी, इसकी वजह से मैं नाराज, इसकी वजह से मैं खुश. सब कुछ हमने सोचा बाहर वालों की वजह से हो रहा था. एंड दैट इज व्हाई द सोल स्टार्टेड बिकमिंग, द सोल स्टार्टेड बिकमिंग वीक, बिकॉज द सोल बिलीव्ड दैट एवरीथिंग आई एम थिंकिंग एंड फीलिंग इज बिकॉज ऑफ. एंड फिर हमने क्या करने की कोशिश की, उनको ठीक करने की कोशिश की. तो एक अलग ही जर्नी शुरू हुई. हम उनको ठीक कर रहे थे, वो हमको ठीक कर रहे थे, हम दोनों एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते करते इतना थकते गए कि हमारा गुस्सा डे बाय डे क्या होता गया, बढ़ता गया. एंड देन वी स्टार्टेड सेइंग आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस पर्सन नाउ, गिवन अप ऑन दिस पर्सन, बिकॉज वी वर ट्राइंग टू चेंज अदर पीपल. द ईजिएस्ट वे टू चेंज एनीबडी is to first radiate powerful vibration to them. Then change will begin over there. But uske liye sabse pehla dhyan kiska rakhna padega? So who's the creator of my reaction? Anger kisne create kiya? Nuksan kiska hua? Daantne wale ka nuksan hota hai ya daant khane wale ka hota hai? आप तो सबसे अच्छा बता सकते हो, शरीर पे भी ज़्यादा असर किसका पड़ता है, जो डांटता है या जो डांट खाता है? जो डांटता है उसकी बॉडी पे ज्यादा असर पड़ता है या जो डांट खाता है उसकी बॉडी पे ज्यादा असर पड़ता है? डांटता है ना. डांट खाने वाले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो मुस्कुराते हैं अंदर आपको देखकर. हैव यू सीन पीपल हु बिकम वेरी इम्यून टू द बिहेवियर्स ऑफ पीपल अराउंड देम? आपके तीन लोग खड़े हैं स्टाफ के, आप उनको डांटो, अगर आपका अटेंशन रहेगा आपको दिखेगा, वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराएंगे, कहेंगे चलो अभी और 10 मिनट्स इनका ऐसा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को हमारी हैबिट्स की आदत पड़ जाती है, वो हमारी एनर्जी कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, हमारी एनर्जी उन तक पहुंचती नहीं, लेकिन हम उस एनर्जी से बच सकते नहीं. सब पे तो गुस्सा करना अलाउड ही नहीं होता ना हमारे को. हम देखते हैं किस पे कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं. तो हम अभी भी वो लोग हैं जो गुस्सा करना चूज कर रहे हैं. थोड़े टाइम के बाद चॉइस, थोड़े टाइम के बाद जब बीमारी क्रॉनिक हो जाती है ना, तो लोगों को पता नहीं चलता किसके सामने क्या बोल रहे हैं. Because the sanskar goes completely out of their control.
अभी तो हम चूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास पावर है कि हम ये भी चूज कर सकते हैं आज कि सामने वाले की गलती कितनी भी बड़ी हो मेरा रिस्पॉन्स कैसा होगा। एंजल वाला, वेरी गुड। तो एंजल वाला रिस्पॉन्स कैसा होगा? क्यों क्यों रिस्पॉन्स करना है राइट? एक, अगर मेरा रिएक्शन उनके बिहेवियर पर डिपेंडेंट हुआ, माय माइंड स्टार्ट्स लूजिंग कंट्रोल ओवर इटसेल्फ। इन्होंने ऐसा किया, मैंने रिएक्ट किया, इसने ऐसा किया, मैंने रिएक्ट किया, इसने ऐसा किया, मैंने रिएक्ट किया, तो मेरा पावर अपना रिएक्शन चूज करने का धीरे धीरे क्या होने लगता है? आई बिकम अ स्लेव टू अदर पीपल्स बिहेवियर एंड सिचुएशंस। बट इन्होंने गुस्सा किया, आई चोज हाउ टू रिस्पॉन्ड। फिर इन्होंने गुस्सा किया, गलती की, आई चोज हाउ टू रिस्पॉन्ड। इन्होंने तो हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, आई चोज हाउ टू रिस्पॉन्ड। आफ्टर दैट आई बिकम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। एंजल मीन्स मास्टर ऑफ देयर लाइफ, नॉट अ विक्टिम टू पीपल एंड सिचुएशंस। और जो यहाँ मास्टर होगा, मालिक होगा अपने जीवन का, पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, फिर उसकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? हाईएस्ट। तो रोज अपने आप को एक प्रोग्रामिंग देने, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस थ्री डेज, क्योंकि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन के बाद लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स फिट हो जाएंगी ठीक से और सॉल्व हो जाएंगी। एंड द इक्वेशन इज, आई एम द क्रिएटर, चलिए इकट्ठे बोलते हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई एवरी फीलिंग, एवरी वर्ड, एवरी बिहेवियर, विद एवरी वन, ऑलवेज। इक्वेशन पूरी हुई, इसको रोज दोहराना है, बार बार अपने आप को याद दिलाना है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई फीलिंग्स, वर्ड्स, बिहेवियर, विद एवरी वन, ऑलवेज। ताकि अगर कल गुस्सा किया भी, ये नहीं कहेंगे उन्होंने गुस्सा दिलाया, ये कहेंगे आई क्रिएटेड द एंगर। जैसे ही कहा उन्होंने दिलाया, सारी पावर वहां जाती है। आई क्रिएटेड द एंगर, सर्किट कंप्लीट, पावर यहां आई, आई हैव द चॉइस नेक्स्ट टाइम नॉट टू क्रिएट इट। जितना लोगों को जिम्मेवार ठहराया आत्मा की शक्ति, एंड जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और खुद चूज किया आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। आई एम अनटच्ड, untouched by energies of people and situations, I choose how to respond, and I am an angel. बस इतना तीन equation इसको दे दी, इसको पता है अब हर situation में कैसे respond करना है। I am an angel। आपको लगता है बिना गुस्सा के hospital में सब क्या लगता है? हाँ जी, इतना इतना एक बिलीफ सिस्टम हमने जो क्रिएट किया है इक्वेशंस ऑफ लाइफ के, गुस्से से काम हो जाता है, गुस्से से लोग कहना मानते हैं। एंगर इज एन एनर्जी विच क्रिएट्स फियर इन अदर पीपल। अगर आपके साथ जो आपको असिस्ट कर रही है नर्स, अगर आप उसको डांट देते हैं तो आपके अंदर क्रिएट हुआ एंगर और उनके अंदर क्रिएट हुआ फियर, और ये एंगर और फियर दोनों मिलके सर्जरी करने वाले हैं। आप जाएंगे ऐसे डॉक्टर के पास? कौन सी एनर्जी चाहिए सर्जरी करने के लिए? काम, पीसफुल, इजी, रिलैक्स्ड, हाईएस्ट एनर्जी। आप बहुत स्किल्ड हैं तो आप गुस्से में भी गलती नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं है, वो फियर में गलती, वो फियर में गलती कर सकते हैं। और जब उन्होंने फियर में गलती कर दी तो उनको इन रिटर्न और डांट पड़ेगी, और जब और डांट पड़ेगी तो और ह्यूमिलिएशन होगा, जब और ह्यूमिलिएशन होगा अगले दिन और एंग्जाइटी होगी, एंड वी आर इनवाइटिंग ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी इनटू आवर हीलिंग सेंटर।
Samjhana, yes. Discipline karna, yes. Aggression, no. Kyunki hamara healing center kaisi vibration ka hai? Kaisi vibration ka hai? Highest pure vibration. To hum to har saal yahi poochte hain ki kya aap apne kamre ko jo aapka cabin hai aur agar aap ek hospital ke in charge hain to kya aap apne hospital ko ek no anger zone banane ke liye taiyar hain kyunki usme secret ek ye hai कि अगर आपने अपने कमरे को या हॉस्पिटल को नो एंगर जोन बना दिया तो जो पेशेंट आ रहा है उसको भी गुस्सा करना अलाउड नहीं होता है वहां पे क्योंकि वहां लिखा होता है यू आर वॉकिंग इनटू अ नो एंगर जोन तो कोई नहीं गुस्सा कर सकता है वहां पे वाइब्रेशन ही ऐसी हो जाएगी कि कोई गुस्सा करेगा नहीं जो आएगा आप रेडी है करने के लिए हां जी सोच लो शाम को सोच लेंगे देखेंगे डिसीजन सोच लो सब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ द हीलिंग सेंटर आज हम यहाँ आए हैं आपको एनर्जी में कुछ फर्क लग रहा है फर्क लग रहा है ये एनर्जी कैसे बन रही है कैसे बन रही है टुडे इज फ्राइडे ना टुडे इज फ्राइडे आई एम हियर सिंस मंडे वेडनेसडे द लास्ट ग्रुप हैज लेफ्ट फ्रॉम हियर वेडनेसडे यार Tuesday evening, maximum, Tuesday evening. Thursday से आपके group के मेहमान आने शुरू होते हैं ऐसी एक conference आप जब organize करते हैं doctors के लिए अपने शहर में because people ask us for dates, we know, एक साल पहले से decide करते हैं मतलब अभी तो बहुत time है कहते conference organize करनी है यहाँ पिछले Thursday से Tuesday तक एक चली थर्सडे को नेक्स्ट ग्रुप आया है आप जाएंगे मंडे ट्यूसडे तक थर्सडे को नेक्स्ट आ जाएगा उतने सारे कमरे उतना सारा ट्रांसपोर्ट उतना सारा किचन उतना सारा सब कुछ कोई खाली बैठकर मेडिटेशन नहीं कर रहे यहां यहां संडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है Seven days are the same. 365 days of the year. Diwali ho, Ganesh Chaturthi ho, New Year ho, Sunday ho, Holi ho, kuch bhi ho. Yahan kaam rukta nahi. Which means, jo reh rahe hain yahan, wo sara din seva par hain. Alag alag logon ke saath seva par hain. Jab alag alag log kaam karenge, to sanskar alag alag honge. Second, सैलरी मिलती नहीं तो पैसे इंसेंटिव है नहीं शाम को घर जाते नहीं अपने परिवार के पास पूरे साल में शायद दो दिन के लिए जाते होंगे वो भी जो जाते हैं वो 365 डेज ऑफ द ईयर सेम लोगों के साथ रह रहे हैं ना सैलरी मिल रही है ना प्रमोशन हो रही है ना कोई हायरार्की है बस करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं करते ही जा रहे हैं अलग अलग संस्कारों के साथ रह रहे हैं कोई एक देश से आया है कोई दूसरे शहर से आया है कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड पास है तो कोई PhD है तो क्या संस्कार जब अलग अलग होंगे तो बातें तो आएंगी लेकिन फिर भी आपको आके वाइब्रेशन अच्छा लग रहा है विच मीन्स अगर वो यहां हो सकता है तो फिर ये घर पे जहां हम चार पांच लोग रहते हैं वहां हो सकता है वहां हो सकता है हो सकता है हो सकता है फिर हमारे हॉस्पिटल में ये हो सकता है ये हो सकता है वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए आइडल बैठकर मेडिटेशन नहीं करना होता है सिर्फ वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए सब कुछ करते हुए सही सोचने का तरीका सही बोलने का तरीका सही व्यवहार वाइब्रेशन क्रिएट हो गया आप अंदर आए अंदर आते ही आपने कहा अच्छा लग रहा है हमें बस यही क्रिएट करना है अपने हॉस्पिटल में लोग अंदर आए और अंदर आते ही बोलें अच्छा लग रहा है हीलिंग बिगिंस The person should feel, I have come to the right place. I have come to the place where there is something which I can get. So if it can create here, then it can also create here. It can happen. It can happen. It can happen. There are also mistakes.
बहुत गलतियां होती हैं, यहां भी कोई झूठ बोल सकता है, तो सामने वाला डांट नहीं सकता, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी ये है कि सब कुछ करते हुए हम एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, एक दूसरे के संस्कारों का ध्यान रख रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने संस्कारों का ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रखने को ही मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान, टू टेक केयर, ध्यान। इट्स नॉट अ मेडिटेशन ऑफ 30 मिनट्स, इट्स ध्यान 24 आवर्स। तो क्या हम अपने हॉस्पिटल को ऐसा बना सकते हैं? क्या हुआ, इतने सीरियस नहीं हो जाओ, बहुत ईजी है। बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ इनवाइट किया है, नहीं तो हम सब उठकर आपके वहाँ आ सकते हैं, आपके शहर में सेम सेशंस हो सकते हैं जो यहाँ स्टेज पे हो रहे हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो 3 दिन यहाँ रहते हैं आप, और आप देखेंगे 3:30 बजे से किचन खुलेगा, माताएं वहाँ खाना बना रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और फिर भी वाइब्रेशन हाई है। वी कम हियर टू टेक दिस एग्जाम्पल बैक इन टू आर लाइफ। वी डोंट हियर ओनली टू लिसन एंड टॉक ओवर हियर, वी आर हियर टू टेक दिस एग्जाम्पल कि अगर यहाँ हो सकता है तो ये कहीं भी हो सकता है, ये किसी के भी घर में हो सकता है, ये किसी के भी हॉस्पिटल में हो सकता है। जिसने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया, दे आर गोइंग टू क्रिएट दिस एनवायरमेंट। तो बना ले नो एंगर जोन, सुन रहा है? हाँ जी, हाँ जी, नो, Brother said, we are not in stress due to patients. No, we don't have to be in stress due to patients at all. Sometimes I could be stressed because of something happening in my house. Ho sakta, nahi ho sakta? Ho sakta ya nahi ho sakta? Sometimes I can create stress only because of how the traffic on the road was while I was going to the hospital. Stress patient ki wajah se hota hi nahi hai, waise bhi nahi hota. Stress kiski wajah se hota hai? स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? स्ट्रेस मेरा सोचने का तरीका। एक इक्वेशन तो आज फिट करनी है कि यहाँ जो भी हो रहा है, यहाँ जो भी हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं, क्रिएटर ऑफ माय स्ट्रेस मी, क्रिएटर ऑफ माय पीस मी, क्रिएटर ऑफ माय एंगर मी, क्रिएटर ऑफ माय कंपैशन मी, क्रिएटर ऑफ माय बिजीनेस मी, क्रिएटर ऑफ माय इजीनेस मी, सब कुछ मेरे हाथ में है। लेकिन अगर हमने कहा क्रिएटर ऑफ माय स्ट्रेस देयर, देन आई एम वेटिंग फॉर अ क्रिएटर ऑफ माय हैप्पीनेस आल्सो टू कम समवेयर ओवर देयर। हीलर वो नहीं है, हीलर वो नहीं है जो सिचुएशन से एनर्जी कंज्यूम करता है। देवी देवता मतलब जो सिचुएशन को सिर्फ देते हैं, देते हैं और देते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल हमारा क्या है? मंदिर है। तो मंदिर में तो एंगर, मंदिर में तो एंगर, अभी अभी तो 3 दिन है ना, करेंगे करके। या इट्स वेरी राइट, अगर हम गुस्सा क्रिएट करके अंदर ही अक्यूमुलेट करते जाएंगे तो वो तो बच जाएंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंगर को एक्सप्रेस नहीं करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगर को क्रिएट नहीं करना है, वो फिर नेक्स्ट। लेकिन पहले डिसीशन तो ले लें कि क्रिएशन किसकी है? मेरी। चॉइस किसकी है? मेरी। एंड आई चूज टू क्रिएट अ हाई एनर्जी हॉस्पिटल, आई चूज टू क्रिएट अ प्लेस वेयर पीपल विल वॉक इन एंड फील गुड, एंड वेन दे फील गुड हीलिंग बिगिन्स। सारी जो आज की डिस्टर्ब्ड इमोशंस है, लाइक फियर, लाइक डाउट, आज कई पेशेंट्स के अंदर डाउट होता है हॉस्पिटल आने से पहले, होता है या नहीं होता? इन्फॉर्मेशन इतनी मिल रही है चारों तरफ से, लेकिन अगर मैं डाउट के साथ एक जगह में एंटर करूं जहां स्टिलनेस है, पीस है, पावर है, मेरे अंदर का डाउट फिनिश हो जाएगा, मेरे अंदर की एंजाइटी फिनिश हो जाएगी, आपका आधा काम कम हो जाएगा,
अगर आप अपने हीलिंग सेंटर की वाइब्रेशन को बढ़ा लें, क्योंकि बाय द टाइम दे रीच योर रूम दे आर ऑलरेडी अ डिफरेंट पर्सन इन देयर माइंड. By the time they meet your staff, they are already a different person. वो कहेंगे यहाँ तो सारे फरिश्ते हैं. तो आप तक पहुँचते पहुँचते अगर वो अखबार में पढ़ के कोई डाउट लाए भी थे तो आप तक पहुँचते पहुँचते वो डाउट सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. Because vibrations will overpower their vibrations. So आज एक depleter को खत्म करें, एक डिप्लीटर को खत्म करें. यस, आई रिस्पॉन्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम असर्टिव. एक बार एक नर्सेस डे प्रोग्राम में ऐसे 800 नर्सेस थे, तो उनको पूछा आपके जीवन में स्ट्रेस का कॉज क्या है. आपको ऐसा लगा? मुझे ऐसा लगा नहीं था एक्चुअली, मैं ऑनेस्टली नहीं लगा था ऐसा. मुझे लगा वो बोलेंगे नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, घर से अलग अलग टाइमिंग पे आना पड़ता है, और पेशेंट भी कभी कभी अजीब अजीब से बिहेव करते हैं ना, तबीयत ठीक नहीं होती है, कभी कभी नर्स को डांट भी देते हैं पेशेंट. यूनैनिमस आंसर था, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं था उसके अंदर कोई भी. लेकिन उन्होंने डॉक्टर नहीं कहा, उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं. दे डिडंट से डॉक्टर, दे सेड जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं. दैट वॉज देयर आंसर. तो मैंने कहा आपको तो पेशेंट कितना कितना अजीब अजीब तरह से बिहेव करते हैं, तब भी होना चाहिए. कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो बीमार है. वो तो बीमार है. बीमार की कोई बात हमको बुरी लगती नहीं. बीमार को तो हम और भी क्या करते हैं, कंपैशन एंड केयर. तो मैं बोला जब वो गुस्सा करते हैं तो वो भी बीमार है. है कि नहीं? बीमार जब हम गुस्सा करते हैं, हम अपनी ओरिजिनल नेचर ऑफ पीस से हट जाते हैं, हम अपनी इमोशनल हेल्थ में कमज़ोर हो जाते हैं, तभी हम रिएक्ट करते हैं. तो उन्होंने कहा वो बीमार है. मैंने वो बीमार है, जो गुस्सा कर रहा है वो बीमार है. तो अगले दिन एक सिस्टर ने फ़ोन किया, कहती ये तो बहुत ही ईजी काम है. मैंने क्या है? कहती आज वो गुस्सा कर रहे थे, मैंने अंदर सोचा ये बीमार है. खेती मेरे को बुरा ही नहीं लगा, क्योंकि मेरे को लगा ये तो बीमार है तो फिर इसके ऊपर क्या बुरा लगना. अंडरस्टैंडिंग पीपल्स इमोशनल हेल्थ, वी आर इक्विप्ड एंड एक्सपर्ट्स एट अंडरस्टैंडिंग पीपल्स फिजिकल हेल्थ, बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल्स इमोशनल हेल्थ. फिर उनके साथ काम करना, उनके साथ रहना, उनके साथ चलना बहुत ईजी हो जाएगा. वेरी वेरी ईजी. हमारी जिम्मेवारी है मैं भी पीसफुल, मेरा स्टाफ भी पीसफुल, मेरा हीलिंग सेंटर भी पीसफुल. तो जो एंटर करेगा उसका माइंड भी पीसफुल, उसके फैमिली का भी माइंड पीसफुल. आधी हीलिंग हो गई, बाकी इलाज दवाई करेंगे, बाकी इलाज दवाई करेंगे. लेकिन वो वहाँ से संतुष्ट जाने चाहिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई नीड टू गो होम इन द इवनिंग एट द highest energy. I owe it. It's my responsibility to myself and to my family. चलिए 2 मिनट साइलेंस में बैठ के उसको फिर से प्रिपेयर करते हैं और विजुअलाइज करते जाइएगा. यहाँ पर जितनी बार आप मेडिटेशन करेंगे तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है. जो जो थॉट्स लिए जा रहे हैं आप उस थॉट को अंदर क्रिएट कीजिए. आपको कोई और थॉट क्रिएट करना है साथ में आप वो कीजिए, बट द थॉट हैज़ टू बी अ हाई एनर्जी थॉट. वो हम शाम को देखेंगे फिर कौन से हाई एनर्जी थॉट्स कैसे क्रिएट करने हैं. लेकिन उसको साथ साथ विजुअलाइज करते जाना है. जब माइंड एंड इंटेलेक्ट, थॉट एंड विजुअलाइजेशन इकट्ठे इकट्ठे चल रही है, यहाँ एक्सपीरियंस होने लगता है और यहाँ संस्कार रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है. आप सब कंफर्टेबल हैं? आप सब कंफर्टेबल हैं? अकोमोडेशन कंफर्टेबल है? एवरीबडी घर पर आए हैं और परिवार के बीच आए हैं. शाम तक गेस्ट वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी, पक्का खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशंस ही ऐसी हैं कि आप सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं. तो वो एनर्जी आपको सबसे मिलने वाली है. इसलिए कुछ भी हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी बात हो, तो सोचना नहीं, वेट करना नहीं, इमीडिएटली बताना.
इमिजिएटली कोई भी चीज़ लगे कि ये चेंज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो जहाँ तक हो सके इट विल बी टेकन केयर ऑफ. कोई डाइट की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी है, घर समझकर बात करनी है. क्योंकि आज आप घर समझेंगे, संडे तक तो आप घर वाले हो जाएंगे, ये तो पक्की बात है. लेकिन आज घर समझना शुरू करेंगे, घर जैसे रहेंगे. और सारा दिन चेकिंग जरूर करना है इस कैंपस में, कोई कहीं गुस्सा कर रहा है, कोई कहीं गलत तरह से बात, चेकिंग करना अच्छे से हर जगह जा जा के, कोई गलत तरह से बात कर रहा है, कोई डांट रहा है, वो भी देख कर आना और उसको भी जाके बोलना, आई एम एन एंजल, यू आर ऑल्सो एन एंजल. चलो, दैट इज हाउ वी हेल्प ईच अदर. कि चाहे कितना भी काम हो रहा हो, प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है, अब हम जब यहाँ से उठ के लंच पे जाएंगे तो आज एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. यहाँ से साइलेंस में चलते हैं लंच तक, 5 मिनट्स की वॉक है, साइलेंस में चलेंगे और अपनी लाइफ को देखते हुए चलेंगे कि व्हाट आर द चेंजेस आई कैन ब्रिंग अबाउट इन माय वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, इन माय वे ऑफ स्पीकिंग, इन माय वे ऑफ लिविंग, इन माय वे ऑफ वर्किंग. ये 5 मिनट आपके अपने आप के साथ हैं. साइलेंस में चलने से एनर्जी बढ़ती है, माइंड स्टिल होता जाता है. डाइनिंग हॉल में पहुँचेंगे, प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं. हम खाने को वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो खाना नहीं है, वो प्रसाद है, ये हमारी जिम्मेवारी है. वहाँ पे भी एक साइलेंस रखते हैं और एक्सपेरिमेंट करके देखें, अगर खाना साइलेंस में खाते हैं तो इट्स अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर. क्योंकि फूड डजंट नरिश ओनली द बॉडी, फूड ऑल्सो नरिशेज द माइंड. फिर हम रेस्ट करके इवनिंग सेशन कितने बजे? 4 बजे. तो सेशन का टाइम 4 बजे है. एंजल्स कितने बजे आते हैं 4 बजे के सेशन के लिए? एंजल्स कितने बजे आते हैं 4 बजे के सेशन के लिए? आवाज नहीं आ रही. एंजल्स कितने बजे आते हैं 4 बजे के सेशन? नहीं, 3:30 नहीं. एंजल्स को रेस्ट भी देते हैं हम अच्छे से, रेस्ट दे के चाय पी के 3:50 तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे कोई भी जगह. और वो यहाँ हम संस्कार बना रहे, कहाँ भी जाना हो 10-15 मिनट पहले जाना चाहिए. दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर दैट. तो हम 3:50 तक यहाँ आ जाएंगे. सीटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं. जो बी के भाई बहने हैं वो पीछे बैठेंगे एंड बाकी हम सब जितना हो सके खाली गैप्स न रखें, इकट्ठे इकट्ठे होकर बैठें, तो आप जो शेयर करते हैं वो भी आवाज़ आती है और कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी भी क्रिएट हो जाती है. ओके, सिट बैक स्ट्रेट. आई एम एन एंजल, फरिश्ता हूं मैं. गॉड्स एंजल फॉर द वर्ल्ड, परमात्मा का फरिश्ता हूं मैं. देखते जाइएगा अपने आप को अपने हॉस्पिटल में, परमात्मा का फरिश्ता हूं मैं. Highest vibration energy field. सिर्फ और सिर्फ एक ही intention, देना है, देना है, देना है, सबको देना है, सिर्फ देना है. Situations will be their way. People will be their way. I will be my way. देखिए अपने आप को,
सिचुएशन, लोग, अलग 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 व्यवहार मेरे अनुसार नहीं हो सकते हैं, वो अपने अनुसार है। दे आर देयर वे। आई एम माई वे। डिवाइन, प्योर, कंपैशनेट, अपने हॉस्पिटल में हर एक को देखे, काम, पीसफुल, इजी, रिलैक्स्ड, बहुत कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, लेकिन चेहरे पर सुकून है। लाइफ एंड डेथ को संभाल रहे हैं, लेकिन चेहरे पर स्टिलनेस है। अपनी एनर्जी औरों को देखकर सिचुएशन और लोगों को भी बदल रहे हैं। एंजल है। Untouched by energies around me, I am a radiator of purity, compassion. I am an angel. अगले 15 मिनट साइलेंस में रहेंगे, साइलेंस में चलेंगे, साइलेंस में लाइन में खड़े होंगे, प्रसाद लेंगे, पहली थॉट परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, अनेक बातों को क्रॉस करते हुए, हॉस्पिटल की बातों को, शहर की बातों को, मौसम की बातों को, सब कुछ क्रॉस करके हम यहाँ पहुंचे हैं। परमात्मा का शुक्रिया, मेरे अपने कर्मों का शुक्रिया जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। इट्स माय फॉर्च्यून, आई चूज टू टेक आउट टाइम फॉर माय सेल्फ। जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे, सारे इकट्ठे नहीं उठेंगे, और साइलेंस में डाइनिंग हॉल तक चलेंगे और साइलेंस में ही आज खाना खाते हैं। प्रशांत एनर्जाइज करता है हमें। फर्स्ट 3 लाइंस उठते जाएंगे, पहली 3 लाइंस एंड पीछे की 5 लाइन। एंजल्स कैसे चलते हैं? लाइट, चलने में भी हमारी वाइब्रेशन रेडिएट हो रही है। पीछे से और 5 लाइन, आगे से नेक्स्ट 3 लाइंस, नेक्स्ट 3 लाइंस,